अगले जो तालिबे इल्म हैं उनका नंबर 19 है, शोलापुर से तशरीफ़ लाए हैं, दानियाल अब्दुल सत्तार सगरी, सातवीं जमात के ये तालिबे इल्म दानियाल अब्दुल सत्तार सगरी, सोशल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर। बच्चों में जो यहाँ पर पीछे चाय तकसीम करने के बाद सभी तालिबात, ख़ास तौर से तालिबात, अपनी जगहों पर बैठ जाएं और ख़ामोशी का मुजाहरा करें, डिसिप्लिन से रहें। यह हॉल चारों तरफ से पैक है, थोड़ी सी भी आवाज़ इन बच्चों की मेहनतों पर असर डाल रही है, यहाँ तक कि कुर्सियों की आवाज़ भी यहाँ स्टेज तक पहुँच रही हैं, इसलिए बिलखसूस पीछे खड़े हुए लड़के और लड़कियाँ जितनी जल्दी हो सके मेहमानों को चाय तकसीम करें और फौरन अपनी जगहों पर बैठ जाएं, खामोशी से बैठें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सदर आली मर्तबत, मुनसिफान महफिल और अहबाब दानिश, अस्सलामु अलैकुम। सामईन मजलिस, सिला रहमी की फजीलत और फवायद पर बात करने से पहले आइए आपको ले चलता हूँ उस मुकद्दस सरजमीन पर जिसका नाम है मक्का मुकर्रमा। ज़रा चश्मे तसव्वुर को वा कीजिए और देखिए, गौर से देखिए, 20 रमज़ान सन 8 हिजरी, मक्का फतेह हो चुका है और सरदारान मक्का सर झुकाए खड़े हैं। वो सरदारान मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, वो सरदारान मक्का जिन्होंने ज़िंदगी भर आपको अजियतें दी, वो सरदारान मक्का जिन्होंने आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, वो सर झुकाए खड़े हैं, उनकी टांगे कांप रही हैं और वो दिल ही दिल में सोच रहे हैं, आज अब्दुल्ला का बेटा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक एक मौजजा होता है और ऐलान होता है, आज बदले का नहीं माफी का दिन है, आज तुम सब आजाद हो। सामईन कराम, आप दुनिया के फातहिन का मुतालिया कीजिए, आप सिकंदर का हाल पढ़िए, आप दारा की सीरत उठाइए, हलाकू और चंगेज की तारीख देखिए, नेपोलियन और हिटलर की रुदात पढ़िए और बताइए है कोई ऐसा फतेह जिसने माफी का ऐसा ऐलान किया हो। याद रहे, मौसीने इंसानियत ने उन पत्थर दिल लोगों की गर्दन नहीं काटी, उनके दिल फतेह कर लिए, और यह है सिला रहमी की सबसे बड़ी फजीलत। और जनाबे वाला, अगर आपको सिला रहमी के फजाइल ही सुनने थे तो काश आप एक दावतनामा उस बूढ़ी औरत को भेज देते जिसका जवान बेटा तमाम दौलत समेट कर उसे बेयारो मददगार एयरपोर्ट पर छोड़कर अमरीका चला गया। वो यहाँ आती, अपना सीना पीटती, नाला वो शेवन बुलंद करती, अपनी औलाद की तरबियत पर आंसू बहाती, तब मैं उसके आंसू पोंछता और बताता कि इस्लाम में सिला रहमी की अहमियत क्या है। हजराते गरामी, दिल की कदूरतों को दूर करती है सिला रहमी, बुग्ज़ और हसद को ख़त्म करती है सिला रहमी, आपसी तनाजात दूर करने का बेहतरीन तरीका है सिला रहमी, उख़ुवत में पुख्तगी सिला रहमी से आती है, ताल्लुकात उस्तवार सिला रहमी से होते हैं, और सामईन, सिला रहमी ही वो वाहिद बीज है जिसको नफ़रतों की ज़मीन में बोया जाए तो मोहब्बतों का फल देता है। अहबाब दानिश, आज इंसानियत का लहूलुहान दम तोड़ता सूरज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, आपसी ना इत्तेफाकियों में इंसानी रिश्ते पामाल हो रहे हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर कत्ले आम हो रहे हैं। सामईन, अगर मुआशरे को पाकीज़ा बनाना है तो सबसे पहले हमें सिला रहमी का शौर अपनाना होगा,
जमीन जायदाद नहीं लोगों के दिल फतेह करने होंगे, तब कहीं जाके आसमा होगा शहर के नूर से आईना पोश, आसमा होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। खुदा हाफिज। सत्तार सगरीब, मैं आली जनाब मोहसिन मिरसिंगे साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तालिब इल्म को इनाम से नवाजें। दानियाल अब्दुस्सत्तार सगरीब। इसके बाद जी अगले जो तालिब इल्म हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरी।